हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस वीडियो लेक्चर इज फॉर द स्टारफिश पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम को एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्टारफिश में हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल, इसके अलावा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल अगर हम स्टारफिश के देखते हैं तो यहाँ पे हम ओरल एंड एबोरल दो तरह के सरफेस की बात करेंगे। इन एस्टेरिसिस द एलिमेंट्री कैनाल इज ट्यूबुलर, स्ट्रेट, शॉर्ट, एक्सटेंडेड वेंट्रिकली अलॉन्ग द ओरल एबोरल एक्सिस इन द सेंट्रल डिस्क। इट कंप्राइजेज द फॉलोइंग पार्ट। कैसे, इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस एंड स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। तो माउथ जो है इसमें एंटीरियर मोस्ट अपर्चर होता है जो कि इनके वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। इट प्रोवाइड विद द स्फिंक्टर मसल्स एंड रेडियल फाइबर्स एंड इज कैपेबल ऑफ ग्रेट एक्सपेंशन एंड रिएक्शन। माउथ लीड्स अपवर्ड इन टू द ईसोफेगस। माउथ बाद में जाके आपके ईसोफेगस में ओपन होता है। तो ईसोफेगस वेरी शॉर्ट, वाइड एंड वर्टिकल ट्यूब। इट ओपन ओवर एबोरली इन द स्टमक। स्टमक जो होता है इज अ ब्रॉड सैक एंड फिल द इंटीरियर ऑफ द डिस्क। इट इज टिपिकली डिवाइडेड बाय होरिजन कंस्ट्रक्शन इन टू द वॉल्यूमिनस ओरल पार्ट एंड कार्डियक स्टमक। तो स्टमक जो है ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, कार्डियक स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक। यहाँ पे आप इसका देख सकते हो डायग्राम। पाइलोरिक ये आपके ओरल सर्फिस का है जिसमें कि माउथ आपको प्रेजेंट है, लोब्स प्रेजेंट है आर्म्स में। इसी तरह से आप यहाँ पे पाइलोरिक डक्ट देख सकते हैं, पाइलोरिक सैक नजर आ रहा है, ठीक है। और एक स्मॉल ट्यूब के फॉर्म में ईसोफेगस भी प्रेजेंट है। कार्डियक स्टमक जो होता है ये आपके एम्बुलेक्रल रिजेस से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट ऑफ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम मेसेंट्रीज भी कहते हैं। ड्यूरिंग द फीडिंग प्रोसेस द कार्डियक स्टमक कैन बी इवर्टेड थ्रू द माउथ बाय द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द बॉडी वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्डियक स्टमक जो होता है वो रिवर्ट करके बाहर जाता है, और जो भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो डायरेक्टली जो भी फूड मटेरियल होता है उस पर बाहर से ही जाता है। इसलिए जो भी यहाँ पे फूड मटेरियल जो बॉडी में एंटर करता है वो प्री डाइजेस्टेड होता है या सेमी डाइजेस्टेड होता है। द रिएक्शन ऑफ द कार्डियक स्टमक इज ब्रॉट बाय द फाइव पेयर ऑफ रिट्रैक्टर मसल्स विच अराइजेस फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द एम्बुलेक्रल रिजेस। द पाइलोरिक स्टमक इज मच स्मॉलर, फ्लैट एंड पेंटागोनल सैक। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इज अ शॉर्ट नैरो फाइव साइडेड ट्यूब दैट रन स्ट्रेट अपवर्ड टू ओपन आउट द एनस। तो इंटेस्टाइन जो होती है ओरल से एबोरल सर्फेस के प्रेजेंट होती है और ये एनस के थ्रू बाहर की तरफ खुलती है। इट गिव्स ऑफ टू और थ्री लिटिल होलो डाइवर्टिकुला कॉर्ड इंटेस्टाइनल और रेक्टल सीका प्लेस्ड इंटररेडियली। द इंटेस्टाइनल सीका आर ब्राउन इन कलर एंड ईच बियर्स सेवरल शॉर्ट इररेगुलर शेप्ड डाइवर्टिकुला। द एक्चुअल फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल सीका इज वेल डिसरप्टेड। However, they are considered as an excretory organ because this secrete brown fluid. ठीक है, तो इसको हम excretory organ भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं anus. The intestine open to the aboral surface by posterior most aperture alimentary canal, जिसे हम कहते हैं anus, जो कि आपके aboral surface पे इस पर present रहता है। हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोलॉजिकली द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फ्रॉम विद इन आउटवर्ड ऑफ द एंटीरियर एपिथीलियम ऑफ द कॉलिमुलर सीलेटेड सेल्स ऑफ द एंडोडर्मल ओरिजन, ए सब एपिडर्मल नर्वस लेयर, अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर डिवॉइड ऑफ द ओसाइकल्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है यहाँ पे पाइलोरिक स्टमक जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। इसमें लगभग ग्रीनिश कलर की होती है और लोबुलेटेड होती है, जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक सीका। डाइजेस्टिव ग्लैंड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है ब्रैंकियल सीका, हेपेटिक सीका, ये सब प्रेजेंट होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के फॉर्म में। देयर आर टू पाइलोरिक सीका इन ईच आर्म। तो हर एक आर्म में जो है पाइलोरिक डक्ट जो है वो फर्दर पाइलोरिक सीका में कन्वर्ट हो जाती है। एंड ईच सस्पेंडेड फ्रॉम द एबोरल सरफेस ऑफ द आर्म बाय द टू लॉन्गिट्यूडनल मेसेंट्रीज दैट एनक्लोजेस बिटवीन देम एंड सीलोमिक सेप्टा कंटिन्यूअस एज इट्स सेंट्रल एंड एंड द जनरल सीलोम ऑफ द डिस्क। ईच पाइलोरिक सीकम कंसिस्ट ऑफ ए डबल सीरीज ऑफ द होलो लोबुलेटेड सैक दैट ओपन इन टू ए सेंट्रल ट्यूब डक्ट। द टू डक्ट परफॉर्मिंग द पेयर ऑफ सीका ऑफ ईच आर्म यूनाइट टू फॉर्म ए मेन पाइलोरिक डक्ट एंड ओपन टू द पाइलोरिक स्टमक ऑफ इट्स एन एंगल। इस तरह से पाइलोरिक सीका जो होती है पाइलोरिक स्टमक से पाइलोरिक सीका निकलती है और पाइलोरिक सीका जो है पाइलोरिक डक्ट में ओपन होता है। फिजियोलॉजी अगर हम डाइजेशन की देखते हैं तो यहाँ पे फूड कैसे होती है, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो कि वोरेशियसली वर्म्स, क्रस्टेशिया, स्नेल्स, बाइवल्व्स एंड स्मॉल साइज स्टार फिश
इकाइनोडर्मिड्स इन सब पे ये डिपेंड करते हैं. समटाइम एस्टेरिस इज ऑल्सो फेड ऑन डेड एनिमल्स एंड अंडर हैजार्डस कंडीशन. दे मे लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल मंथ्स. इंजेशन एंड डाइजेशन में द मोड ऑफ फीडिंग और इंजेशन इन एस्टेरिस इज ऑफ द मोस्ट अनयूजल टाइप. इट शैल अ स्मॉल साइज एनिमल डायरेक्टली थ्रू द माउथ. द प्रे इज हैड बाय द ट्यूब फिट एंड कार्डिक स्टमक इज इवर्टेड. तो यहाँ पर क्या होता है कि एनिमल को जो है होल्डिंग जो होती है प्रे की वो ट्यूब फिट के थ्रू होल्ड किया जाता है और स्टमक इवर्ट होता है जिससे कि जो भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उसमें उस पर वो अटैक करता है और इस तरह से ये स्टमक जो है विड्रॉन अलोंग द विद द डाइजेस्टेड फूड. टू फीड द शेल्ड मॉलस्क एस्टेरिस इज अडॉप्ट अनदर इंटरेस्टिंग टेक्निक. इट क्रीप्स ओवर द क्लीन एंड होल्डिंग इट विद द फीट ओरिएंट इट टू ब्रिंग द फ्री मार्जिन्स ऑफ द शेल क्लोजेज इट्स माउथ एंड इट नाउ आर्चेस इट्स बॉडी अज्यूमिंग ए करेक्टरिस्टिक हम्ड और अम्ब्रेला लाइक पोस्चर्स. द मोर प्रोक्सिमल ट्यू फिट फॉर्मली ग्रिप बोथ द वाल्व्स ऑफ द बाइवल्स शेल वाइल द मोर डिस्टेंस वन आर अटैच टू द सबफ्रीडम. कार्डिक स्टमक इज नाउ इवर्टेड थ्रू द माउथ बाई कंट्रक्शन ऑफ द बॉडी वॉल एंड प्रेशर ऑफ द सिलोमिक फ्लूड. तो ये जो स्टमक का जो रिवर्शन होता है ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, बॉडी कंट्रक्शन एंड प्रेशर ऑफ द सिलोमिक फ्लूड पर डिपेंड करता है. ट्यूब फिट ग्रिप करता है इसको और एस्टेरेसिस जो होते हैं नाउ इंसर्टेड ऑलरेडी इवर्टेड स्टमक इन टू द मेंटल कैविटी ऑफ द काम एंड पोर आउट से प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स. एंजाइम डाइजेस्टेड द विसरल ऑर्गन्स ऑफ द Remaining digestion of the food substance occur in cardiac stomach from which the digested food diffuses to the celiac fluid of the body wide distribution and to the pyloric cica where it may be distributed to arms or stored in the storage cells of the epithelium of the pyloric cica. The undigested food is either ingested out directly from the mouth or passes through the intestine or ingested through the anus. रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पायरेशन के लिए यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ट्यूब फिट प्रेजेंट होती हैं. तो पैपिले जो होते हैं यहाँ पे चीफ रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपके ओरल एंड एबोरल दोनों सर्फेस पे प्रेजेंट रहते हैं. दे आर सिंपली कॉन्ट्रेक्टाइल ट्रांसपेरेंट होलो आउट ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑन द एबोरल सर्फेस having ciliated epithelium and at outer and inner surface. तो ciliated epithelium जो actually में water current को maintain करने के लिए help करती है जिससे कि जैसे ही water इसमें enter करता है तो जो भी water में dissolved oxygen होती है उससे इनके बीच में gases exchange होता है. An exchange of oxygen and CO2 takes place between the sea water and the body fluid of the gills. The cilia of the epithelial cells have vital role in the movement of ciliumic fluid and in the creating respiratory water current in the sea water. The other thin walled, richly vascularized and most body parts are also act as a respiratory organ. एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ द एस्टेरेसिस में आ जाता है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होते हैं स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है. जो भी नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं एक्सक्रेटरी वेस्ट होते हैं वो यूजुअली अमोनियम कंपाउंड होते हैं और ये जो है सिलोमिक फ्लूड और इनके थ्रू जो हैं ये रेक्टल सिका में डिफ्यूज होते हैं ट्यूबफिट में और गिल्स में और यहाँ से जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से. सिलोमोसाइट्स हैव सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सक्रीशन ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द सिलोम. तो सिलोमोसाइट्स हमने पहले डिस्कस किया था ये फेगोसाइटिक सेल्स की तरह होती है तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ये उसको अपनी बॉडी से एलिमिनेट आउट कर देती हैं. सो